अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 1 क्लास 9 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की बुक एग्जांपल समझाऊंगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट लेते हैं एग्जांपल 1.1 से। इफ़ एन एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 हैं, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो हमें बताना है उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो चलिए डेटा बनाते हैं इसका। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू हैं 11 के। ठीक है, 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू हैं 12 के। ठीक है, हमें उसका एटॉमिक नंबर बताना है और हमें उसका एटॉमिक मास बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो जो एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर यानी के Z, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो के है इसका हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एटॉमिक नंबर है वो भी इक्वल टू है 11 के। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ठीक है, जिसमें A क्या है आपका एटॉमिक मास है। ठीक है, Z क्या है एटॉमिक नंबर है और प्लस N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो A हमें कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू जेड, जेड की जगह हम जेड की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 11 है, और n की जगह हम n की वैल्यू लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि क्या है 12 हैं। ठीक है, इन दोनों को आप इसमें प्लस कर देंगे, 11 प्लस 12 तो क्या आ जाएगा 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 2 को। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज इक्वल टू 40 एंड Z इज इक्वल टू 20। कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं एक एटम में। ठीक है, जिसमें A जो है वो 40 के इक्वल है और जो Z है वो इज इक्वल टू है 20 के। तो डेटा बनाते हैं, A इज इक्वल टू 40, ठीक है, Z इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें कैलकुलेट करने और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जेड गिवन है कितना 20, तो मींस के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसमें वो इज इक्वल टू हैं 20 के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं ना हम इसको, तो एटॉमिक नंबर या कह सकते हैं Z इज इक्वल टू है 20 के। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखें ये जो फार्मूला है A इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन, हम यही लिखेंगे एज इट इज़ यहाँ पे, A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो ये देखें यहाँ पे ये जो जेड प्लस में है इक्वेशन की साइड आने के बाद ये यूँ हो जाएगा A माइनस जेड इज इक्वल टू एन। ठीक है, n इज़ इक्वल टू a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 40 माइनस z की जगह हम z की वैल्यू लिखेंगे 20, तो ये बन जाएगा n इज़ इक्वल टू
40 माइनस 20 तो 20, मीन्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 20 हैं। एग्जाम्पल 1.3 है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। HNO3 का मोलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं, तो डेटा में हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो इक्वल होता है 1 AMU के, ठीक है। देन उसके बाद हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू होता है 14 AMU के, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन का लिखा, देन नाइट्रोजन का लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सीजन का, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू होता है 16 AMU के। ठीक है, मींस के हमें एटॉमिक मास पता है इन तीनों के, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। तो अब हमें इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें पता है कि मोलिकुलर मास इक्वल होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, मींस के एक मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस में जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है उसके सम को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर मास कहते हैं, ठीक है। तो अब हम हाइड्रोजन HNO3 का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, हम लिखेंगे मोलिकुलर मास इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी 1, ठीक है। देन यहाँ पे देखें हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, तो मैं यहाँ भी लिखूँगी 1। सबसे पहले मैंने लिखा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, देन उसके बाद मैंने देखा कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। देन उसके बाद सम है, ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या साइन लगाया, प्लस का। देन उसके बाद देखें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 14, तो मैं यहाँ लिखूँगी 14, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें नाइट्रोजन भी एक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 1 लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद हम वापस लगाएंगे प्लस। देन उसके बाद देखें यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 3 एटम मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका लिखूँगी एटॉमिक मास जो कि है 16, और मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगी इसको 3 से, ठीक है। तो मोलिकुलर मास हम कहते हैं सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम, जितने भी एटम मौजूद हैं किसी भी मोलिक्यूल में, तो उनके सम को हम कहते हैं मोलिकुलर मास, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ लिख लेती हूँ मोलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 प्लस 14 1 ज़ा 14 प्लस, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 48, अब इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे, 48 प्लस 14 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 63, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 63। एग्जाम्पल 1.4 है, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 3, ठीक है। हमें फॉर्मूला मास बताना है इसका, तो इसका भी हम डेटा बना लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, तो एटॉमिक मास एल्युमिनियम का इक्वल होता है 26.98 AMU के, ठीक है। देन उसके बाद मैं लिखूंगी मोलिक्यूल एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इक्वल होता है 32 AMU के, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूंगी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल होता है 16 AMU के। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला मास, ठीक है, फॉर्मूला मास हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला मास
इज इक्वल टू, यहाँ देखें Al2 है तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम जो कि है 26.98, और यहाँ पे मैं क्या, ये जो 2 है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद प्लस, ठीक है, यहाँ देखें उसके बाद क्या है, सल्फ़र है तो सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 32 है, और यहाँ पे कितने सल्फ़र मौजूद हैं तो यहाँ पे, अब यहाँ देखें यहाँ पे कितने सल्फ़र मौजूद हैं तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे एक है, ठीक है, और यहाँ पे 3 मौजूद है, तो ये जो 3 है ये इस के साथ भी है और ये इस ऑक्सीजन के साथ भी है, तो मीन्स कि यहाँ पे 3 सल्फ़र मौजूद है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 से, ठीक है। देन उसके बाद है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं, ठीक है, और ये जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 4 12, तो हम यहाँ लिख लेंगे 12, ठीक है। मीन्स कि ये जो 3 है यहाँ पे ये सल्फर के साथ भी मौजूद है, ये इस ऑक्सीजन के साथ भी मौजूद है, तो यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 4 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 26.98 तो ये आ जाएगा 53.96 प्लस 32 × 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 96 प्लस 12 × 16 तो ये आ जाएगा 192। अब इन तीनों को आप इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, 192 प्लस 96 प्लस 53.96 तो ये आ जाएगा 341.96। AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी हम AMU लिखेंगे, यहाँ मैं लिखना भूल गई थी, ठीक हो गया। चलें एग्जांपल 1.5 को देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम, हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं 40 ग्राम ऑफ सोडियम में, तो चलिए डेटा बनाते हैं। तो मास हमें गिवन है 40 ग्राम, ठीक है, एन हमें कैलकुलेट करना है मींस के नंबर ऑफ मोल, और हमें क्या कौन सा एलिमेंट गिवन है, तो हमें सोडियम गिवन है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम, ठीक है, जो कि इज इक्वल टू है 23 AMU के, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू है जो हमें नॉन मास गिवन होता है सब्सटेंस का, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास हमें गिवन है 40 ग्राम, ठीक है, और हम इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस क्या है हमारे पास 23, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 40 को डिवाइड कर देंगे 23 से, 40 / 23 तो आंसर आएगा 1.7, मीन्स के n इज इक्वल टू है 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम के, ठीक है, मीन्स के जो सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 1.73 मोल्स के इक्वल हैं। अगली एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल 1.6 को, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमें मास बताना है और हमें मोल गिवन है 4 मोल्स, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ पे गिवन है, तो चलिए डेटा बनाते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल हैं 4 मोल्स के, ठीक है,
और उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला मास ऑफ CO2, तो यहाँ देखें, यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमें पता है कि जो एटॉमिक मास होता है कार्बन का होता है 12, ठीक है, और यहाँ पे 1 हम लगा देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 एटम है तो हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। 12 वन ज़ा 12 प्लस 2 16 ज़ा आपका आएगा 32। दोनों को प्लस कर देंगे, 32 प्लस 12 तो आ जाएगा 44 AMU। फॉर्मूला मास ऑक्सीजन का कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आया, 44 AMU। मास बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, मास ऑफ CO2 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू M डिवाइड बाय M, वही फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब हमें ये वाला मास कैलकुलेट करना है, तो यहाँ देखें ये जो M यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके ये यूँ हो जाएगा, N मल्टीप्लाई M इज इक्वल टू स्मॉल m, ठीक है। देन M इज इक्वल टू N की जगह हम नंबर ऑफ मोल लिखेंगे जो कि क्या है 4 है, मल्टीप्लाई M की जगह हम लिखेंगे 44, ठीक है। इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 मल्टीप्लाई 4 तो ये आ जाएगा 176 ग्राम, ठीक है। मींस के मास 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो इक्वल है 176 ग्राम के, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट, पार्ट 1। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।